जाके देखो माई माता ने तेरे की सफाई कर ली है, कि कंधा से थापी ही ला रही है। अच्छा जी। की कर रही है जजी की मां? हाली बोल, देखता नहीं चिड़िया से कांपी उड़ानी है। अंदर मेरा जजी सुता है। और तेरी कि मत नहीं मारी गई? अद्धी रात तक तो मैं उन्होंने घर आंदा नहीं वेख्या। मैं झूठ भी बोल रही हूँ, जजी जिसने घर आया ना, तेरी उस वे अख लग गई थी। और चल टुर हाँ मेरे नाल, मैं भी तो वेखा इसे महीने घरों बहर रहने वाला पुत्र खैर ना घर किवें आ गया। खेती में जुटी ना किधर तेरे पैरों के खुराक ना मेरा पुत्र ना जाग पवे। ओ हमेशा या काडर ही लानी है। देख लिया ना, मैं कहनी सा ना मेरा पुत्र सुता है। हुणे वेख लैना, मैनू भी पूरा पंजाब शाहिया पहलवान कहिंदा है। मैं हुणे दुध दा दुध ते पानी दा पानी कर लैना। मर गए, मेरा पुत्र कितने टुर गया है? क्यों देख लिया ना साडा तजर्बा, वो जेड़ा पुत्र राती घर आके नहीं सोएगा वो सवेरे घरों कितों बरामद होगा। तेन मेरे ते यकीन क्यों नहीं आता? मेरे सामने राती कंध तक के अंदर आए ते मेरी अखां दे सामने वो अपने मंजे पे भी सुते। ओनू घर आंदिया तेरिया अखां ने नहीं तेरी ममता दी अखां ने वेख्या। वो घर आंदा ते बुआ खड़का के आंदा। उन्हें बुआ इसलिए नहीं खड़काया कि किधरे तू ना जाग पवे। और रहन दे जजी दी मां, आखिर मां है ना, पुत्र दे आबां दे पर्दा पाण दा वल चंगी तरह जाननी। क्यों है ना, इसलिए मां दी ममता दा हाल नहीं समझ सकता। और तेरा भी कोई कसूर नहीं, काश तू ये समझ लवे उन्हां दे पुत्र छेती गुआचदे नहीं जिन्हां दे मापे उन्हां दीआं बाहां फुट के फड़न। रब करे मेरा सिरजी कदी ना गुआचे, कदी ना गुआचे। जिस दिन वो गुआच गया जजी दी मां, तैनू पूरा पंजाब कब्रस्तान लगे गई। ओए मल्ले वालियो, तुसा ते बड़ा जोर लाया सी कि तुहाडी इज्जत दा जनाजा इत्थों ना उठे, पर साड़ी ताकत की दहशत लाई साबित कर दिता है। इंतकाम की अग बुझी रवे ते सिवाय बल पवे ते सारी दुनिया साड़ देंदी है। एदे प्यो ने साडे खिलाफ गुआई दिती सी ते हुण असी ने हो चाहिए सजा देंगे। क्या इस तो बाद कोई शरीफ साडे जे बदमाशा ने खिलाफ जुबान खोलन की जरूरत नहीं करेगा। नाम मेरा जज्जी जरूर है, पर मेरे शहरदारा ने मैनू पहलवानी का खिताब उदों दिता सी जदों मैं गैरत दे अखाड़े तोटे दे बेगैरतां दीआं टंडां लाईआं सन। ओए जज्जी, साडे नाल बदमाशी दी नहीं नरा, जे चबूतरा उच्चा हो गया तेरा सारा मलबा तेरे ते टिक पेगा। ओए तू शायद नहीं जानता जज्जी कि असी छे भरावां। ओए तुसी 600 भी होवो ते मेरा की कर लावे। Thank you.
लोकी तो तेनू आहो पहना मैं जदों भी कोई नेकी दा काम कीता है इस शहर दे लोकां ने मैनू बदमाशी दी अख नाली वेखी है तू जा कर जा पहना अल्लाह तेरी जिंदगी करे वीरा शाया 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 पहलवान और अबे पुत्तर जम्मे है को कमाल च निकलया तीर नहीं जिहड़ा साडे कोले कोलो तेज निकल के मंदिर ते पहले पहुंच जाएगा ठीक के लाला पर इना सोच नहीं जे असी जट्टी कोलो घोड़सवारी दा मुकाबला हार गए ते शहर दे लोगां ने साडे गल छेत्रां दे हार पा देने छेत्रां दा हार नहीं आ माखिया कल दा चढ़न वाला सूरज शहर वाले आप ही दस देगा छेत्रां दा हार किदे कल च पैंदा हक गल कीती उस शेरू कल दा मुकाबला सिर्फ घोड़ सवारी दा मुकाबला नहीं शहर वाले नू ए दसन दा दिन इस शहर दा नाम शाहिया दा पुत्तर जद्दी नहीं असी छेत्रावा जेड़े कंड नाल कंड जोड़ के खलो जाइए दरिया की छल भी सानू बच के वापस चल जाती है घोड़ी किना त्यार किया बिलाला के जजी ने की मुकाबले के मैदान जाने वाले हर जवान के नक नक पाएगी और जितनी खुशी गजरिया के पैरों इन्ने घुंगरू छणकेंगे कि हर पास छिड़के ही होंगे घुंगरां दी छनकार सिर्फ बाजार ने सुनी कल जजी एहो जिहा खड़ा करेगा कि सारी दुनिया देखेगी
प्यार है तो जज्जी सिर्फ तेरे घुंगरू ही नहीं तेरे गिट्टे भी तोड़ देगा जे किसी दे सामने अगे कुछ ना कहीं जज्जी मैं कंजरी जरूर हाँ पर मेरी यह गल दिल दे कना नाल सुन ले ऐ जग पावे मैनू लाश क्यों ना बना दे पर ऐस लाश में
तेरे सिवा कदी किसी दे अगे नहीं नचना नहीं नचना। मैनू सारे जग विच दो चीजा प्यारियां ने, एक तो ते दूजा मेरा गुजर यार जिन्हों कानून ने इलाका पाबंद किया है। राजू मैं अपने गुजर यार नूं पूछ सकना कि अज फिर उन्हूं दुश्मनी दी अग ने इलाका पाबंदी तोड़न ते मजबूर तां नहीं कर दिता? ठीक आखे जजी, अग उदों ही बुझेगी जदों तक मैं मालके कोलों अपने भरा दे कतल दा बदला नहीं लै लैंदा। ओए चलिया मालका जे जेलो रिहा होके नहीं आया ओनू जेलो रिहा होके आ लें दे ते फिर मैं अपने हाथ दे टोके नाल ओदा सिर ला के तेरे पैरों च सुट दियांगा। नहीं अच्छा जी नहीं, रब दा वास्ते मेरी इस दुश्मनी च और तू कोई पायवाली ना पाई। इथों हिलण दी कोशिश ना करी राजू, नहीं तो गोली मार देंगे। गोली की मारनी हो साहब, मेरा ते कम ही कुछ अगे जा पिया। की बकवास कर रहे हैं? ओ कुछ नहीं साहब बहादुर जी, ताडे आन तो पहले राजू मैनू दस रहा सी कि घोड़ा डर के इधर आ गया, उन्हूं फड़ लिया है और गल तो कोई भी नहीं की जे। राजू मैं तेनू वार्निंग देना वा, एंदा तू इहो जी हरकत की थी, ते मैं तेनू रेस्ट कर लांगा। राजू नू देना के छड़ा। तेन किन्नी बारी कह चुकी है नुसरत, जजी दे सुपने वेखने छड़ दी, हयाती दी जिस पटरी ते ओ चल रहा है उसकी आखिरी मंजिल सिर्फ मौत है, ते ओ मौत सिर्फ कले जजी दी नहीं, ओदे दुश्मना ने ओदे नाल नाल तेरे साथ ही लेके नस जाना। ठीक आखे बाई, असी एदे सब बाद इच मुकावांगे, साडी हार ते धमाला पाण वाली इह तौहफ दा मुजरा शहर दे चौके च पहला वेखांगे। होश कर वे, इह तवाइफ साडे नक्कां विच नकेल पाण वाले जज दा प्यार, जे इहनू तुसी सूली ते वी टंग दिओ ते फेर वी इहने नहीं नचणा। लै नहीं नचणा तू ते की, अज साडी दहशत नाल तेरे नाल नाल धरती भी नचेगी। नसो भाई मेरे पैरों की तमक सुन के ते पहाड़ भी बजरी का ट्रक बन जाता है। तेरा पिंडा ते फिर एक तोफ का पिंड है। इस बाजार चा जाना को नच नसो भाई, तेरिया हड्डिया की आवाज सुन के
उस दुश्मन की ही किच तेर पै जाए जिदी तेतू बड़े जशन मनाए सन। अरे पहल तो चिटे चिटे ताडे बेट ने ओटे ओटे कदम पुट के थो नीवे नीवे निकल जाए, नहीं ते ताडिया लाशा ते हो जा जशन करावांगा के ताडा हशर वेख के किताबा पढ़न लिया किस लाली ना लियाए, नहीं ते तेरा है पुत इस बाजार की मिट्टी बना देंगा। उथे खलो के इंज इंज की करना है, इनू भैन कह के सिर कचण वाली गल कर, नहीं ते पैदा करने वाले की कसमे ताड़ा मुंह कच्चन वाला कोई नहीं जा लपना। दुश्मन ने वार कर दिते ते फिर की होया, एहो जिहा तूफान बन के निकलेगा के सारा समाना वेखेगा। साडे हथों मरण वाला मखतूल अपने पिंडे दे फट सवाण तो पहले ही साडी मौत पढ़ के तन उड़ीक रहा है, तन उड़ीक रहा है। एदा मतलब है मुर्दा आपे टुर के अपनी कब्र ला गया। मुर्दा नहीं आए और कनको जिन्हें ताड़िया कब्रा ताड़े घर च ही बना के इनू कब्रस्तान बना देना तो कुछ सिर से सोचिया तो यह सी कि असी जजी दे भरा की लाश से इस वाइफ का मुजरा वेखांगे। जे तू ही आ गए तो फिर इसकी कंड नाल कंड जोड़ के खलो जा। दुश्मना मुजरा हुणी कलाश ते नहीं दो लाशां ते होवेगा। नहीं वे ए गुल ना करो, अपनिया सारिया गोलियां मेरे सीने च मार दियो, पर मैं अपनी अखां दे सामने ना ही जज्जी दे भरा नूं मरदिया वेख सकदी आं ते ना ही ओहदे यार नूं। अच्छा पहला अच्छा अज ना जज्जी दा प्यार मरेगा ते ना ही जज्जी दा यार। चला गोलियां किनिया कुछ चलानिया ने, मेरा ईमान है बगैरत की गोली नल कोई गैरतमंद नहीं मर सकता। मेरे आंदिया तुहाडे वल मौत का फरिश्ता भी नहीं बच सकता। ओए फरिश्ता आवे ना आवे पर ताड़ी मौत जरूर आवेगी। जज्जी की हयाती सज्जना वाले मौत कदी नहीं आ सकती।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਲਹੂ ਢੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਿਸਤੌਲ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਚੱਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪਾੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਣਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਹਵਾਲਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਫਗੜੀ ਲਾ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਥਾਣੇਦਾਰਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮੀ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਵੀਰਾ ਵਾਹ, ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਵਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖੇਗੀ ਵੀਰਾ, ਕੀ ਆਖੇਗੀ, ਕੀ ਆਖੇਗੀ। ਦੀਦੀ ਮਾਂ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਜੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੱਜੀ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੋ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਜੱਜੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਜੱਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ,
मैं तानू इस कोठड़ी च बंद नहीं कर सकता। इसलिए कि तुसी दवे खतरनाक मुजरम हो, जे तानू इस कोठड़ी च रहन दा ऐडा इच्छा है तो फिर जेल के कानून के मुताबिक मैंने तारे नाल इक कैदी होर बंद करना पड़ेगा। बहादुर फिर अपनी जेल चलारम करो, एना सूरमियां नु बुला के एना नु पुछो के साडे शेरां नाल कौन कोठड़ी च बंद होना चाहता है। अमन करो ओए अमन, ये दुनिया डराने वाला चाहिदा है। ओए मेरे भरा दिया, ओए कातला, इन्हां वाला घर कोठड़ी की बंद कर दियो। पहुंचांगा मैं तेरे कोल कली कोठड़ी विच। जमानत ते असीं करवा लई ने लाला, पर मैनू यकीन है जज्जी ते उस गुजर ने सेले दे कतल दा ना ही साडे खिलाफ परचा करवाया होना है ते ना ही ओह साडे खिलाफ गवाहियां देण। ओए मैं भी जानदा ते मैनू इह भी पता है कि जज्जी ने अदालत ने बाहर तौर ते बड़ी कर देणी, पर हुण तां सारिआं मेरा इक मशवरा मन्ना पैगा। उस माल के बदमाश ने उसी अपनी बहन का रिश्ता देकर अपने हियाती की ढाल बढ़ा लेगी, जरा उस गुजर के भरा कतल की सजा कर ले। तू इंज क्यों नहीं कहता लाला कि सानू कुरबानी का बकरा चाहिए? वो कुरबानी का बकरा नहीं, साढ़े दोवे दुश्मन की मौत है। वसीला की जरा गवाह की अदालत तो मुसलसल गैर हाजिरी तो बाद अदालत इस नतीजे से पहुंची है कि मुलजमान जजी तैयार दोवे बेगुनाह, लिहाजा अदालत इन्हों दोवान बाइज्जत तौर से बरी कर दी। लेकिन मुलजम रियाज ने इलाका पाबंदी तोड़न का जुर्म किया है, अदालत ने इस जुर्म च 3 महीने कैद का मुशक्कत की सजा दी है। सलाम साहब बहादुर। वालेकुम असलाम। कौन हो तुसी? ते मेरे नाल मुलाकात का मकसद? साहब बहादुर कभी दुश्मनियां पालना साडा पेशा ते उन्हां निभाना साडा असूल सी, पर जवान भैन नूं घर च वेख के ये सोच के जे कल नूं असी दुश्मनी की सूली ते चढ़ गए साडे जनाजियां नूं कंधे देण वाले ते बड़े होणगे, पर साडी भैन की डोली टोरन वाला कोई नहीं आएगा। मैं तुहाडी गल समझिया नहीं, तुसी कहना की चाहते हो? कहना है चाहते हैं साहब बहादुर, ताड़ी इस जेल साडा एक दुश्मन मालका बंद है। मालका? हाँ साहब बहादुर, असी उहदे नाल पुरानी दुश्मनी मुका के अपनी भैन की मंगनी करन आए। हाँ तुसी एक बहुत अच्छा फैसला किया, इस फैसले नाल कतलो गारत ते जराय मुक जाएंगे, हुकूमत भी अपनी सामने। साहब बहादुर जी तुम बुरा ना मनाओ तो मालक तक चल दिए साढ़े ना। जरूर चलाना। मालके उत्थे रुक जाओ जेलर साहब।
जिवें तुहाडी जेल चाण लग्या तुहाडे मुलाजम मुजरमा की जामा तलाशी लेंदे ने, उस तरह मैनू भी इन्हां थालां की जामा तलाशी लैण दिओ। लड्डू वो भी मोती चूर दे, हयाती विच पहले दुश्मन वेखे ने जिन्हां दा चाचा मारिया, ते मैनू जहर दी थां मिठा खाणा गए ने। पहले तू खा। मालके असी दुश्मन नहीं, तेरे सज्जन बन के आया, ते उस दुश्मनी नू खत्म कर दिता है जिदे सेक नाल साड़ी भैन दा सुहा जोड़ा साड़ी भैन दा कफन बन जाणा। कफन? मैं तेनू दसना मालके, ए तेरी ते अपनी दुश्मनी नू दोस्ती च बदलन लई अपनी भैन दा रिश्ता देण आए। भैन दा रिश्ता? ओ भी मेरे नाल? कौन सा बहादुर के सारे मेरे साले बनन आए ने। हां इंज कौन साहब, डर दी ये दुनिया डरावन वाला चाहिदा है। तो फिर एदा मतलब है कि तेनू यह रिश्ता कबूल है? 101 लख वारी कबूल है, कबूल है। मेरे लिए इस तो वध खुशी की हो सकती है साहब के 4 फुट 24 इंच दे बुरछे मेरे साले बन गए ने। फकीर देंदे मोड़वे, टक न गरीबा वांगू
हथ च गोलियां नाल भरी हुई स्टेन ते है, पर जे दिल विच कोड़ा नप्पण दा हौसला भी होवे वैसे डरदी है दुनिया डराण वाला चाहिदा है कित्थों लभीए डराण वाला। हथ विच स्टेन दा कोड़ा नप्पण दी हिम्मत भी है ते दुनिया भी डरदी है, पर नहीं अज मैं तैनू हथ दे टोके नाल वटांगा। मैं तेरे हथां दे टोके नूं हुणे जंग ला देना, तू सिर्फ दो कड़िया अमन ते कर रमन रमन। हां भाई तुसी जिस कम लई मैनू अपना पणवीया बनाया सी ओ वेला आ गया जी, हुण तुसी इत्थों तुर जाओ तुर जाओ तुर जाओ। दुश्मनी पा के तू अपनी मौत नू वाज मारिए, बाहर निकल। और तू कौन है मुंडिया, एडी उच्ची उच्ची कुकड़ वांगू बांगा क्यों दे रहे हैं? तेरे कुत्ते दी कुकड़ी मेरी तह से दुश्मनी दा एक अंडा दे आई, इसलिए अज मैं उस कुकड़ी नू हलाल शलाल करके चोदे खंब शंब लाण आया। जा चुप करके तुर जा भला अभी, ए शाहिए दा डेरा ही, ए फरूद खाना भी ते परब खाना भी, इत्थे अज इक बलाक तेरा ही ना निकलदा होवे। ओए परतानिया टाइम दे बुजुर्ग गुंडे, ए पिंडे ते तेल शेल मल के पुठियां सदियां मारन दा जमाना नहीं, ओए स्टेन गन दा जमाना है। छेती पुत्र नू बाहर कढ़ने ते मैं तेरे ठंडे खून विच अपने हाथ रंग के अपने हाथां दा स्वाद खराब नहीं करना चाहता। ओए टालटे दी पैदावार किसे पुल च ना रवी, ओए तैनू ते मैं अपने हत्थां दे खलावे च लैके तेरा इंजर पिंजर कर दिया। रब दा वास्ता ही मां, ए जुल्म ना करी, छेती ना बुआ खोल दे, नहीं तो मैं चुखाटा पट के बाहर निकल जाऊंगा। नहीं सची नहीं, तू बाहर नहीं जा सकता,
जे तू बुआ तोड़ भी दिता तो फिर भी मेरी ममता की कंध तक के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मां तू पुत्र बचाना चाहना, बचा सकना है तो बचा ले, पर मैं उन्हें जिंदा नहीं छड़ना। तू गोलियां चला, मैं भी तो देखा ऐ तुमने मेरा जुत्ता दस भी गोलियां खाने की तफीक रखता कि नहीं। ले फिर मौत दे खौफ तो तेरा पुत्र जिथे भी लुकिया होया है शायद यतीम हो तुम बात गैर खा के बाहर आ जाए। और चटी और नहीं और चटी रून ना लुची नहीं बोली था पुत्रा शाहिया पहलवान तू भी अपने पुत्र नु समझा लेवी कि दुश्मनियां पानियां छड़ देवे। जे मालके ने तेरे डेरे ते हमला ना किया होंदा तो मैं जजी नु गिरफ्तार कर लेना सी। जी मां समझा ले अपने चार चानण पुत्र नु ए बदमाशी कुंडा करती ए दुश्मनियां पालन दे जिस रस्ते ते टुर पई ओ सीधा फांसी दा फटिया चाहता ही। जे अज इन मैं चप्पा ना पांदा इन्हें अपने नवे दुश्मन मालक नु कतल करके फाए रख जाना सी। तू बाकी की सारी हयाती एदी कबर ते टकरा मार मार के गुजार देनी सी। अरे मालका हैगा कौन ए गुजर याद है भरा का कातल जिन्हू यार का गिराना निभा कतल करना चाहता सी। जो भी करो कसम खा के आया सी के चिल ला के जाएगा बल्दी अग तो चिल ना पापा जे होर भड़क पई तो मेरा इंतकाम दुश्मन के नाल नाल ओदी लाश तो बहन पान वाले साड़ के सुहा कर देगा। सुन नहीं है जी सुपान एदी आखरी है तौन एदिया खूनी अखा की कह रही है। जजी रे अब्बा मेरा पुत्र भी ओही जबान बोलता है जड़ी जवानी विच तू बोलना से ते आकड़ी होई तौन विच बल भी ते तेरे एही कहना चाहनी है ना। एदिया अखा उसे तरह खूनी होंदिया ने जिस तरह जवानी च मेरिया होंदिया। ए तू भी जाननी है मैनू पूरा पंजाब भी मेरिया अखाद खूनी होंदिया सनी चजी की मां जो मैं किसी धी भैन से मां दखा जालमान के दिते हुए अथरू वेखता था तो उन्होंने अथरुआ वेख के मेरिया अखा का पानी खून बन जाता सी। बाजिया की आवाज मैनू याद आया चाचे नाम सिंह की धी का विआह है और मैं हैरान हाँ मैं सद्या क्यों नहीं भलवान जी खड़े गए इस मैं भी तुम दसना भूल गया था राती चाचे हरान सिंह ना बड़ा वड्डा जुलम हो गया जी। जुलम की मतबल मतबल तेनू मैं दसना पुत्रा राती वाहगुरु ने मेरे ते बड़ा वड्डा जुलम ढाया है ती जमण तो लैके जवान हुंदिया ताईं जिन्ना ताज इकट्ठा किया राती चोरी हो गया जंज मेरे बूहे ते आ गई है मैं थाने दे बुए तो नाकाम हो गए तेरे बुए ते आ गया वा हुण तू ही मेरी इज्जत रख सकना जे जंज वापस नहीं जाएगी चाचा इसलिए कि तेरे घरों तेरी धी ने नहीं मेरी भैन ने भी दिहाना पहला फर ते ओ सपनी जेड़े दाज मंगण वालिया नूं लड़न ते उन्हां नूं नवी जिंदगी मिल जांदी। रब मेरी याती दे सा भी तेनू ही ला दे पुत्रा तू मेरी बरादरी मेरी इज्जत रख ली है। ओ इज्जत शर्मा दे रब रखना ला चाचा सा चल के भैन नू विदया करी। पहलवान जी पहलवान जी गुंडे मारी आ रहे तीन चुके ले चलने ला चाचा तू घर चल मैं महल की धी भैन नू चुकन वाले गुंडे ने चला दे टोर के क्या कर तेरी धी नू विदया करना। ओए बुढ़िए
मुल्क बखरा होने वाला है। जे तेरी ती तेरे को बख हो गई तो केड़ा पुचाल आ जाएगा। ले चलो इनू कितने ले चलो खतरियो। इस शहर की हर धी भैन की इज्जत का पहरेदार शाहिया मास बन के ताजे सामने भी आ सकता है। तेरे शहर बड़े ना सुने ने शाहिए। शायद तू ये नहीं जानता कि मेरा नाम राम लाली ते मनु मौता तू जाना कहते नहीं। जे तू अपना तारफ कराए दिता ला लिया फिर एक देवा मां की धी की इज्जत तू हथ पान के चरम मैं तेन तेरे कंधे खून ना लालो लाल कर देंगा। मैं तेरी जवानी की सारी कहानी सुन ली अपा। तू तो सिर्फ चुंगे विचों दो चार हजार कतल करन का सपना वेखिया थी। जे मेरी हयाती विच कभी इस धरती की इज्जत का सवाल आ गया तो मैं तेन दो चार लख कतल भी करके विखा दिया। जी दुश्मनी पालने वाले कंजरिया जराना रखने वाले कभी भी इस धरती का ख्याल नहीं आ सकता। जी आज पहली बारी तेरे चेहरे से परेशानी देखी की गल खैर ते आज दुश्मन की ललकार ने अखा चलाऊ कर दिता सी पर मापिया की नसीहत ने हथ दौड़ दिते ने। जे दुश्मन का पिछा ना किया तो लोग पुस्ते कहे तो जे मापिया की गल ना मनी तो उन्हों दुआं मेरे लिए दस चल गई समय नहीं आ रही। दसो की करा ते किधर जावा। मेरे पास जो भी ते मैं तेन हमेशा ले अपने प्यार के बुके लिच लुका लव। दुश्मनिया छट के मेरे प्यार नाल सांझ कर ले तेरे सारे झगड़े मुक चढ़ गए। रोन क्यों लग पी चली सलाह तो तू एडी चंगी दीती है कि मैं तेन दस नहीं सकता। मैं तो यह सोची पै गया सा आई गल अपने तो मेरे ब्याह की तरीक भी तू ही दस दे। आहो जदों पादरों की 15 तरीक होगी जदों पादरों की 15 तरीक होगी वोटी बनेगी वोटी बनेगी ते खत्म उड़ीक होगी जदों पादरों की 15 तरीक होगी वोटी बनेगी वोटी बनेगी ते खत्म उड़ीक होगी जदों पादरों की 15 तरीक होगी।
तारीख होवेगी जदों पादरों दी पंद्रह तारीख होवेगी पट्टी बनेगी वकीलों की जिरह के बाद अदालत मुलजम मालिक दीन उर्फ मालिक की जमानत रिजेक्ट कर दी। जिन्नी बारी मर्जी मेरिया जमानत मनसूख कर ले पर मैं जज्जी की मौत पढ़ के उदे कोल जरूर पहुंचना है। भले दे लई मैनू जेल क्यों न तोड़नी पै। पानिया दुश्मनिया ते सोना गूड़ी निजरे ओए जम्या भी मंजी ते से ते मौत भी तेरी मंजी ते लिखी ओए गैब दैलम ते सिर्फ रब जानदा है जे तू एड्डा ही बहादुर है ते बंदूक सुट के हथा छत पा। पर मेरी दुश्मनी दी किताब ए कहंदी है कि तवायफ ते तमाश भी एक कोई लफ्ज़ दे दो नान जिवें तवायफ तमाश बींदा विसा नहीं खांदी इंजी दुश्मन नूं भी दुश्मन दा विसा नहीं खाना चाहिदा। आई मैं मर गई नहीं नहीं। ओ की होए जसी मां मैं बड़ा सड़ा हाल देखे ते ओदी तबीयत ओदे तो बड़ी लगदी है। ओए तू आराम नाल सो जा आप भी कभी सच्चे हुए ने? नहीं जजी देवा नहीं मैं खाब देखे कि देवे से जरा दुश्मन जजी नु मारन आया थी उन्हें जजी का खून कर दिता है। रब दा वास्ता ही छेती नल जाके किसी नजीमी को पूछ के मेरे पुत्र की जिंदगी किन्नी लंबी है ते जे रब बोलने कट गई है ते फिर मैं अपनी बाकी की जिंदगी का एक एक सा अपने पुत्र के नाल ला देंगी। और तू कमली हो गई है जजी की मां जिंदगी ते मौत दा मालक सिर्फ रब है जे नजूमी हुंदा ना ते लोकां ने नजूमी नूं रब कहना शुरू कर देना सी। ऐदा यकीन एक मां ते कर सकती है पर ओदी ममता नहीं। रब दा वास्ते जज्जी दे अब्बा छेती नल जा ते मैनूं आके दस कि मेरे पुत्र जज्जी ने होर किन्ने को हजार साल जीने। ओए अच्छा बाबा जे तेरा इमाम रब नूं छड़ के नजूमी दे बूहे ते ही आ गए ते मैं नजूमी आ भी छोड़ जावां। और चुप कर गया कुछ दसते सही। मेरा हिसाब किताब दस रहा पहलवान जी के तुहाडे पुत्र की जिंदगी दे दिन बहुत थोड़े रह गए। ए की कह दिता जी वाह रब्बा बुजुर्गां ने सच ही आख्या मां का दूसरा ना खुदा है। नजूमी को खुदा तो नहीं जिदा क्या झूठ नहीं हो सकता वह किवे कह सकता कि मेरे पुत्र की जिंदगी के दिन थोड़े ने। वो आपे तो तू क्या सी नजूमी को जा आओ क्या सी परे दे मतलब तो नहीं कि गल करके मां का कलेजा ही कर ले। मैं मां वा ते मां तो बाद औलाद नु कोई प्यार नहीं करता। अल्लाह करे मेरी जिंदगी भी मेरे जज्जी नु लग जाए ते ओदी आई मैं मर जावा। लाला जवान तिया एक ना एक दिन से रहना ही होंगे भरा का सवाल सुन के सोची की पै गया सारी उम्र की कमाई खून आ गया है कमलिया ते कड़ी को सोचा भी ना मैं कोई गैर ते नहीं लाला तेरा भरा वा ते नाले स्याणे कहंदे ने
कि जदों कोई घर चल के आ जाए तो फिर उन्हें खाली हाथ नहीं तोरी दा। मैं तैनू कदों इनकार किया भरावा, पर ती ध्याणी का काम है, पूरी तसली करके जवाब देंगा। मुंडिया की शक्ल नहीं वेखी दी लाला, अकल वेखी दी। मेरा पुत्र शरीफ है, पढ़िया लिखा है, अल्लाह के फजल नाल कमाऊ भी है। तू और की चाहना? मैनू यह भी पता है कि तेरे पुत्र का रिश्ता किसी नसीब वाले नूं मिलता है, पर ये सोच के मैं हाँ नहीं कह सकता कि किते विआह तो बाद चाचे के घर शरीका ना जा पाऊं। नहीं लाला, नहीं, मैं राणू नूं नूं नहीं, सारी हयाती अपनी धी बना के रखांगा लाला। भैन तू तेरिया अखा च अथरू, खैर ते है ना भैन रहम ते? रहमत के बदल दिसे जरूर सन, पर असे नहीं आस ते बूटे नु मुरझांदिया नहीं वेख सकी, अखा का पानी देखे उन बचाने की कोशिश भी करनी है भरावा। तू की कह रही है भैणा, वो केड़ा सवाल है जिन्हों अपने दिल विच लैके तू भरा दे बूहे तक ते आ गई है, पर जबान ते नहीं लिया सकती। सजा सुना के जुर्म पिया पूछना है? तेन मेरी कसम है भैणा, अपना दुख मेरे नामे ला दे, मैं तेन रोंदिया नहीं देख सकता। ते फिर सुन वीरा, पुत्र का दुख मां की हयाती लिए रोग बन गया। चची मासूम सी ते मां की उंगली फड़ के टुरदा सी, जवान होया ते मां का हाथ चटक के टुर जांदा। मां दियां लोरियां भुल के सिर्फ गोलियां की आवाज सुनना चाहता है। कंजरां दे कोठे ते चढ़न वाले पैर अज अपने घर की राह भुल गए ने। अपने गुआचे हुए पुत्र नु तेरे बूए ते लभन आई सा, इसलिए कि बीवी ते औलाद ओ संजीरा ने जड़ियां फटे तो वटे बदमाश नु शराफत की चार दीवारी च कैद कर लेंदियां ने। वीरा, पैन की खाली चोली विच अपनी धी पा दे। आई सा करीम बख्श की भैन लगी सर, बोलिए ते ओदी सब तो वड्डी दुश्मन लगी है। सारा जमाना जानता है कि शराफत बदमाशी दे पैरे च खिलोती कदी चंगी नहीं लगी। तू कहो जी भैन है जिहड़ी राणो दा सूहा जोड़ा खो के ओनू कफन पाण आ गई है। ऐ सोच के इत्थों वापस टुर जा रहे थे कि मेरा भरा एडा पागल नहीं कि वो एक शरीफ दा वर छड़ के एक बदमाश नाल अपनी धी नूं टोल देवे। आकाश बंद कर रे। चोलियां तो सारे भर लेंगे ने, पर किसी होर दी चोली पर कोई कोई भरदा है, पर शरीफा नूं ते सारे धियां दे देंदे ने, पर मैं एक बदमाश नूं अपनी धी दा रिश्ता देण दा फैसला सिर्फ ये सोच के कीता है अगर मेरी कुर्बानी नाल एक मां का गुआचा पुत्र लग जाता है तो मेरे लिए इस तो वड़ी और खुशी और की हो सकती है, की हो सकती है। जे तू अपनी धी का जद्दी बदमाश नाल विआह करन दा फैसला कर ही लिया, एक गल मेरी कन खोल के सुन ले, अज तो बाद
तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं हूं लाला, कोई रिश्ता नहीं हूं, कोई रिश्ता नहीं हूं। की कर दिता ही वीरा जो मैनू करना चाहिदा सी, तेरे पुत्र नू शराफत दी राह ते वापस लियाण लई, इस मुल्तक शरीफ शहरी बयान लई मैं एक दी ठगी लखा दिया कुर्बान कर सकना पैना। जा अपने पुत्र दे सिर ते सेड़ा सड़ा ते मैं अपनी धी नू डोली च पा के तेरा इंतजार करांगा। जा रब रखा वीरा, रब रखा। तेरा गिला भी ठीक है धीए, तेरी किस्मत दा फैसला करन लग्या तेरे कोलों इस लई नहीं पुछया कि मामा दा रतबा औलाद कोलों वध के आंदा है। औखे पेंडे पैण तो पहले ही हिम्मत हार गई है ते मंजिल ते किवें अपनेंगी, अथरू पूंज ले दिए, अथरू पूंज ले। नहीं बाबला नहीं, जे खुशी लगन की उम्मीद होवे ते बंदा दुख दी सांस तोड़ता चंगा भी लगता है, हुण ते सारी हयाती रोना ही है। इसलिए मैं ना अथरू वाला रिश्ता नहीं तोड़ सकती, नहीं तोड़ सकती। एक ही कह रही है जीवन जोगी, मैं दिन रात दे फर्क चंगी तरह जानना वा, ते मैनू तेरिया सदां का भी एहसास है ते अपने फैसले का भी, पर तू ये क्यों नहीं सोचती इबादत करन लग्या कदी कदी कंडिया ते भी सिद्धा करना है जद बाबला। मैं अग्या नहीं करांगा। ओए इसलिए जजी तनु कंजरी दे प्यार ने इना कोना कर दिता, तनु मां प्यो दे रिश्ते भी पछाण खुल गई। जो जी करते ही कह लै अपा, पर मेरा फैसला अपनी थां ते नहीं मिल सकता। ते फिर मेरा फैसला भी सुन ले जजी, जे प्यार तू ना कीता ते मेरे सिर दी चादर मेरे गले दा फा बन जाई। जिस मुंह बोले फराक ने मैं तेरे लिए जिंदगी की पीक मंगन गई सा, रोड ने तो मैंने खाली हक नहीं उठोया, पर तू जिन मैं रब को मनता मन मन के मंगिया, उन्हें अपना फैसला सुना के मां की ममता का दिल तोड़े। मां वे हां, ए मेरा आखिरी हुक्म ही, जे तू सिर ते सेरे ना बने ते मेरी कबर ते फुल चढ़ान भी ना आवी। मां मैं दिल दा चाह के सुन ही लिया जजी, हूं मेरे दिल की खास ही सुन ले, जे तूए ब्याह ना कीता यार ते फिर मेरे जनाजे नू कंधा भी देना। जे तुहाडा आखिरी हुक्म कि मेरा प्यार थोड़े फैसले की सुली चढ़ जाए तो फिर मैं ये ब्याह जरूर करांगा, जरूर करांगा। और मैं मालके की जमानत का बंदोबस्त कर लेता है, और चट्टी का ब्याह नहीं, और खुशी वाले गाड़ी सिर्फ मातम होगा। लाला एक इंतजाम अभी भी किया है। ओके सानू पता लग गया लाला कि जजी की जज किस तरह टुकड़ी है, ते असीं यह फैसला कर लिया कि उस घर जजी की जज टुकन तो पहला साढ़े इंतकाम की जज टुकेगी।
चुआना साड़ी पसंदी सवारी नु साड़े वाले करके तुरदा पाना है, नहीं ते तेरे घोड़े की कंडते तेरी लाश होगी। वे टांगे च बैठिया हुई मेरिया भैन ने, ते जे अज कोचवान मौत के खौफ तो डर गया ना ते फिर इस जग ते कोचवाना दा ना बदनाम हो जाएगा ही। ओए कोचवाना, लगता है तेरी जिंदगी मौत के छाने पहुंच गई है। गंदी औलाद जग नू मजा न सवा। ओए मैनू यही विखा ले तू मेरी जमानत कराई सी। ओए इना विघाता ने ते मेरी इज्जत नू सरे आम वेच दिता। बाकी दे साले ते मैनू बेगैरती लगे। ओए जबान नू लगाम पाओ, मालक नू इना पता लगे जिन तुसी हाथ पाया वो जजी दी होने वाली बीवी है। आ, आ, जाओ भी, आ, जाओ, आ, जाओ। जो कुछ होया एदा मैनू बड़ा ही अफसोस है पैना। मैं ये ते नहीं जानता कि तू किस बदनसीब बाबल दी धी है ते किस गैरतमंद दी बीवी है, पर जे मालके ने तेनू अपनी पैन कह ही दिता है ते फिर तू अपना खाविंद कट के पूरे जग दे जवाना दी पैन। कदम अगर वधान की कोशिश ना करी राजू, कल मेरे यार जजी की शादी है, उन्हें सेरे भी बनने नहीं ते उन्हें घोड़ी ते भी पैना, ते मैं अगर उस घोड़ी की बाग ना फड़ी ते शहर थार की आखन गे एन कोठड़ी बंद कर दियो, तेरे से सख्त पैरा ला दियो। मुबारक हो गए पहलवान आजम। की गल है मां, आज बड़ी खुशी? खुशी की गल से आज तेनू मैं सुनावा की थी, सुनेगी ते नच नच के चली हो जावे। छेती दस मां, वो खबर की है? ते फिर दिल से हाथ रख के सुन, कल जजी दी शादी हो रही। कल उन्हें घोड़ी भी चढ़ना, फुल्लां दी सेज ते एक शरीफ जाजी का कुंड भी चुकना है। सिर से सेरे भी सजाने ने।
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਆ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਾਤ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਾਵਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕੁੰਡ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨਾ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ ਨਸਰਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਫਟ ਦਾ ਪਤਲਾ ਨਾ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤੇ ਤਵਾਇਫ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਨੁਸਰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਜੱਜੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਥਰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਮੈਂ ਲੁਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਮਨਾਉਣ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਸੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਦੋ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਮੂੰਹ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੱਜੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਵਾਇਫਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰੇ ਸਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੂੰ ਇਸ ਕੋਠੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਚਲਾ ਮੇਰੇ ਚਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਵਾਇਫ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨੁਸਰਤ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਨੁਸਰਤ ਚਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੁਸਰਤ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਫਨ ਪਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਸੂਰਾ ਜੋੜਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ
अमन करो ओए अमन। जज्जी नू मैं गोलियां दी थान नोटां दी सलामी इसलिए दित्ती सी कि उस सूए जोड़े वाली ने स्वाद दी सेज ते बैठन तो पहला किन्ने मिठे मिठे सुफने वेखे होणगे। तुसी आप सोचो जे मैं उन्हू पहली राती बेवा बना देंदा ते उन्ने मैनू किन्नियां बद्दुआवां देणियां सन। ओए जे दुश्मन दे सिर ते सजे फुल दे वारस दी कबर ते सजा देंदे ते पता नहीं असी तां किन्नियां दुआवां देणियां सन। दुश्मन ने सुहाग रात मना ली और सूए जोड़े वाली ने भी अपने सुफनिया की ताबीर वेख ली है। मापिया जज्जी ते राजू कानून को बच के नहीं जा सकते। जज्जी भुआ ने यार गुजर ने एक दुश्मन का बंदा मार दिता है। मार देता है वो बंदा नहीं बल्कि मौका मारना तो मफरूर हो गए। और जजी मफरूर होकर जा कितने सकता है? मेरा तो ख्याल है पहलवान जी जजी अपने यार लियाकत खान वाले चला गया होगा। लियाकत खान दीदी छेती ना तुर पे जजी कतल करके मफरूर हो गए तो उन्हें तेरे ना पैगाम भेजे इस तो पहले कि उन्होंने गोली का आर्डर हो जाए और तेन आखिरी बार मिलना चाहता है। मेरे जजी की ख्वाहिश ते फिर मेरे दिल का चा भी यह हुई कि मैं अपने प्यार के सिर तो कुर्बान हो जावा कुर्बान हो जावा। तजर्बाकार इंस्पेक्टर हो तुम्हें यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि कातिल कत्ल करने के बाद सजा के खौफ से अपने घर की चार दीवारी तो क्या शहर और मुल्क की चार दीवारी को भी अबूर करने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी जाए बसों रेलगाड़ियों और जहाजों की पूरी तरह छानबीन की जाए ताकि मुजरिम किसी भी रास्ते से शहर से बाहर न निकल सके।
बाबा जी। तुसी भी ओह होइयो ना जेड़े है सन। एक कौन सन बाबा जी? जो मैं हूं। तुसी कौन हो बाबा जी? मफरूर। मफरूर? हां हां तुसी भी मफरूर हो। तुहानू किस तरह पता लगा बाबा जी कि असी ओ इत्थे जो आ गए हो? एना कबरां वल वेखो, ये भी तुहाडे मम्मी कदी इत्थे आए सन। इन्होंने भी बदमाशी के बड़े बड़े वड्डे तमगे सजाए सन अपनिया हिखा ते। ये मफरूर होए जिंदगी बचाउण लई, पर जिंदगी ने इन्हें नाल वफा ना की। तेरिया मैं आप बनाइया, जे मैं ये तेरिया ना बनाऊंगा रब सच्चा जानता है इन्हां दीआं लाशां नूं चीलां ते कुत्तिआं ने खाणा सी। कुत्तिआं ने। मैं भी एक मफरूर हाँ। मेरी जवानी चमकती हुई तलवार सी, मेरे चारे पासे बहार ही बहार सी। ओए मौत दे फंदे कोलों बचण लई मफरूरी अख्तियार कीती। जिंदगी दे लालच विच जिंदगी गुआ बैठा, कानून कोलों बाजी जितण दे शौक विच अपना सब कुछ हार दिता, सब कुछ हार दिता। मां मर गई, ओए ओए मां मर गई ते उहदा मुंह ना वेख सकिया। करों भैण दी डोली उठी ते बदकिस्मत भरा अपनी भैन की डोली नू कंधा ना दे सकिया। ओए बदकिस्मत भरा सां मफरूर जो सा। ओए जालमो वापस चले जाओ, किसे दी मां अपने पुत्र दी उड़ीक दे विच वैण पा रही होगी, कोई भैन अपने वीर नू उड़ीक रही होगी, किसे प्यू दा कलेजा अपने पुत्र दी जुदाई विच छाननी हो गया होना, किसे जवान दी औलाद अपने प्यू दे गम विच अथरू बहा रही होनी। ओए वापस चले जाओ जालमो, रब दा नां जे वापस चले जाओ। उधर वेखो ए मेरी कबर जी जिड़ी मैं अपने हाथों नाल आप खोदी है। जदों ताडे जां मफरूरां नूं दफनाउंदिआं मौत इस मफरूर नूं अपने सीने नाल लाउण लगेगी, फिर मैं डिगदा टहिंदा इस कबर विच उतर जावांगा। फिर कई सालां दी धूड़ मेरी कबर नूं आपे ही पूर देगी। ए जे एक मफरूर दी अखीर, मफरूर दी एक दिन दी जिंदगी तू कैद दी हजार साल जिंदगी चंगी जे होए, कैद दी हजार साल जिंदगी चंगी जे होए, कैद दी हजार साल जिंदगी चंगी।
लगता है जिन्हें पुलिस साड़ा पीछा करते करते मौत बन के साडे सिरा ते आण के खलो गई। और नहीं राजू नहीं, साडी मां कानून के मुकद्दर विच नहीं। जिंदगी बचाने की कोशिश मत करो, हथियार फेंक दो। ओए फियाक का कभी साडे बड्डे आले नहीं सुटे ते मैं भी नहीं सुटने। ता बहादुर आज तू सानू अस्करिया लाड दा सुफना ना वेख, और अस्करिया साडिया लाशां नूं लगन गियां। हमने तुम्हारा बारूद इसलिए जाया किया कि तुम कब्जा में आ जाओ। लियाकत खा ओ उधर रुक जाओ, हम तुम्हें उस वक्त तक सीने से नहीं लगाएगा। जब तक हम तुम्हारा आने की खुशी में जश्न नहीं करता। बर्बादी वेख के पहाड़ वर्गा जवान भी होवे ते मिट्टी दा ढेर बन के डिग जावे। यार मिट्टी दा ढेर बन के डिग जावे। क्या हुआ तुम्हारे खानदान को, किसने तंग किया तुम्हारे मां बाप को? मेरी आकड़ ने दिलो कैम रखन लई मैं कतल किता। ते मैं कानून करो बचन लई मफरूर हो गया। ते मेरी मफरूरी मेरी माली मौत बन गई, मौत बन गई। ओए बदकिस्मता, तेरे तो सारे जीने ने, तू उन्होंने मिलन क्यों नहीं चाहता? और क्यों नहीं चाहता? मैं खा देख रही हूं यहां से तबीर। हाँ भी समझ। नहीं नहीं, मेरी अखा कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं यकीन थी कि मेरिया दुआवा तू एक ना एक दिन मेरे को जरूर ले आनगियां।
मुंह क्यों फेर लिता जे? जिड़िया खाता नू वेखन लई तरस रही सन उन्हें अखां नू रज के वेखते लैंदे हो की करेंगी ये चेहरा वेख के? मैं दुश्मन दारा पता नहीं सां केड़े वेले साथ छड़दे ने ते चेहरा वेखन की आस विच तेरी सारी हयाती गुजर जाएगी। रब ना करे मेरे कान सड़ जा मुड़के हो जी गल ना करना। कोई भी सुहागन अपने सुहाग की जुबान च यहोजा पैड़ा कलमा नहीं सुन सकती। तो गल मेरी खता की है? मैं तुम्हें दुख की दिता पर मैं तो तेन दुख दे रहा ना। तू भी जाननी है तो मैं भी कि मैं तेरी कदर इसलिए नहीं कर सकता कि मैं अपने दिल के हथों मजबूर हाँ। मेरी गली गली जिंद घबरा दी
दिल नहीं लगदा। तैनू ढेर ढेर मुबारक होवे, मेरे जद्दी दे घर चन्न वर्गा पुत्र होया। वे गामू वे शीदे वे कितने मर गए होवे, वे छेती नाल जाके मिठाई दी सारी दुकान चुक ले आवे। आज मैं बड़ी खुश जेवे की गल है। इन्नी वड्डी खुशी की खबर सुन के तेरिया अखां चथरू क्यों आ गए ने? जद्दी दी मां ए खुशी दे अथरू ने बस एवं जज्जी याद आ गया। मसरूर ना होता तो पुत्र नूं वेख के किड्डा खुश होगा। पुत्र का नाम लैके मेरा दिल भी रुआ दिता है। पता नहीं मेरा पुत्र इस वेले किस हाल ही छोड़े। तू किड्डा बद नसीब है जेड़ा मां वर्गी जन्नत नूं छड़ के दोज़ख की पट्टी छाड़ के ओए मकरूरी की जिंदगी कद तक लुक के गुजारेगा। मां तेरी याद विच पता नहीं किस हाल च होएगी, पर तेरे पुत्र दिल ने ओदी याद विच दो अथरू भी नहीं सुटे, दो अथरू भी नहीं सुटे। पुत्र मां किस तरह बोल सकता है? हर वेले मां की तस्वीर रहती है। मैं तेरे मफरूर जी उन्हें किस तरह दसा कि तू तिना साल तो अपने प्यो के प्यार में तरस रहे। मां जी फिर मां कहने वाली पुत्रा ए मां तो मफरूर पुत्र लिए तरस रही है, पर पुत्र अपने प्यो की गोदी खेड लिए तड़प रहा है। मैं तो सबर कर ही लांगी, पर सोच रही हूं इस मासूम नु इहदे प्यो नु किस तरह मिलावा, किस तरह मिलावा। शीते किस तरह तस्वीर चची नु पहुंचा दे, वह तस्वीर देखेगा तेनू मिलन जरूर आएगा। आएगा तो फिर मैं भी सीने नाल लाके पूछांगी कि पुत्र मफरूर हो जान ते मावां नूं क्यों भुल जांदे ने। नहीं मां जी नहीं, जज्जी थानू भुलिया नहीं, वह जरूर आएगा, मैनू पूरा यकीन है। पुत्र दी तस्वीर देखन दे बाद उथे एक पल भी नहीं रहेगा। खबरदार अगर तुमने ये तस्वीर जजी को दिखाया। खान साहब जजी की मां ने तस्वीर इसलिए भेजी है कि उन्हें पता लग जाए वो एक बेटे का बाप बन चुका। बाप बेटे का ये मिलाप नहीं हो सकता। अगर ये तस्वीर जज्जी के पास चला गया तो उससे औलाद देखने की तड़प बढ़ जाएगी और कानून से भागा हुआ मफरूर पुलिस के हाथों मारा जाएगा। या कत्ल!
कीता ही मेरे यारा। जो यार यार के लिए और एक इंसान इंसान के लिए करता है। यहां से चले जाओ, चले जाओ, वरना मेरी बरादरी मेरे खून पर शक करेगी। नहीं लियाकत खान, नहीं हो सकता, असि तेन यह सारे सच के नहीं जावे। तुम्हें मेरी आखिरी सांस की लियाकत ने साढ़े तो अपनी जान कुर्बान करके जराने का हक अदा कर दिता है। जी यार हुण तुसी कुछ देर लिए आराम कर लो, तो मैं कानून की गोली का राह डकन लिए खलो जाना वा, जिहड़ी किसे वेले भी साढ़े वल वध सकदी। तो अपने दोस्त को कुर्बान कर देता ही, जे तो गिरफ्तारी दे देता तो तेरा दोस्त कदी ना मरता, कदी ना मरता। तू आप क्यों नहीं मर गया, आप क्यों नहीं मर गया, आप क्यों नहीं मर गया, क्यों? ਮਫਰੂਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੋਂ ਕੈਦ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਜੇ, ਕੈਦ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਜੇ, ਕੈਦ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਜੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੋਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਚੰਗੀ। Yeah.
कोई कोताही नहीं की थी। आज असी अपना वो आखिरी हरबा भी इस्तेमाल कर ले जिदे नाल वड्डे तो वड्डा बदमाश कानून दे पैर में चाड़ देता है। पुछ सकना आखिर ओ केड़ा आखिरी हरबा है? उन्हें दसदा सर। सलाम साहब बहादुर। शाहिया? शाहिया नहीं, शादिन कवो साहब बहादुर। ना बालों का बगाड़ी दे, बुजुर्गों का नहीं। तुसी मैं शादिन कह देंदे ते शायद तुहानू मेरी बुजुर्गी का एहसास हो जाता। साहब बहादुर, कानून की नजर च मुजरम होना शर्म है, और मुजरम के बारे सुना कोई शर्म नहीं। मुजरम नू फड़न लई तेरी ए पुलिस का आखिरी हरबा है कि वह मुजरम की थां उहदे वारसां दे कलेजे ते इहनां छुरियां चला दी है। क्यों चीख चीख के कहंदे ने मुजरम मसीह आ, मुजरम मसीह आ। शादीन, मेरे सामने ने तेरे ते की जुलम नहीं कीते साहब बहादुर? अजरे पुलिस, दोपहर पुलिस, शामी पुलिस, मेरे ते करतियां चुगाचा पुट दित्तियां तेरी इस पुलिस ने साहब बहादुर। शेरदिल, जां शादीन ठीक कह रहा है, जां ते शेरदिल तादिरा दे पाकिस्तान दी ओ केड़ी दफा है? कानून दी ओ केड़ी किताब है जिदे सुनहरी परके ते तहरीर कीता है ते मुजरमां नूं फड़न लई उहनां दे पासां दीआं नींदां हराम कर दित्तियां जाण? शेरदिल, ओह दौर गुजर गया है जदों रिश्वत, जुल्म ते तशद्दुद पुलिस दा नां सी। हुण इस पास महकमे विच तेरे दा नां बार वरतण नहीं रह सकता। शादीन, तेरे नाल जो भी ज्यादती हुई है उसकी मैं माजरत चाहना वा, पर एक मशवरा तेनों जरूर देंगा कि जजी नूं गिरफ्तारी लई पेश कर दे, नहीं तो उहदे लई एक दिन गोली का आर्डर हो जाएगा। साहब बहादुर, एक बुढ़े प्यो नूं
उसके जवान पुत्र की मौत का पैगाम देते हो। लगता ताडा अपना कोई पुत्र नहीं। जी मेरा पुत्र है साहब बहादुर, उन्होंने मारोगे तो कलेजा मेरा चीरिया जाएगा, एक सुहागन बेवा हो जाएगी, एक मां दी अखा अपने जवान पुत्र की लाश का चेहरा नहीं वेख सकनगिया। साहब बहादुर नहीं वेख सकनगिया। जी को गिरफ्तार करना जे तो मैं तुमने कहो जहा तोहफा देना जिन्हों वेखण लई जी माफ करो तेरे ना तो ताने तक का आ जाएगा, ताने तक का आ जाएगा। साहब बहादुर आप आ जाएगा। ये कौन है शादीन? यही तोहफा है साहब बहादुर, यह जजी का पुत्र है, जजी मेरा पुत्र है। उन्हें मार दोगे तो मैं मर जाऊंगा, इन्हें मार दोगे तो जजी आप ही मर जाएगा। शादीन? हाँ साहब बहादुर, जजी को पुत्र की मौत की सलाह मिलेगी, उसके दिल से यह छुरियां चलनगियां, जिहड़ियां छुरियां मुद्दत तो मेरे दिल से चल रही ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੀਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜੱਜੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਬਦਨਸੀਬ ਪਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਟਿਕ ਪਵੇ। हां शादीन, हां हुण तू जा सकना है। मैं तेरे नाल वादा करना वा कि आंदा तू एक मुजरम का पियो बन के नहीं, एक पुत्र का पियो बन के जिंदा रहेगा। बड़ी मेहरबानी सर बहादुर, बड़ी मेहरबानी। चची जिंदगी वल टुरद्या टुरद्या ते हुण असीं थक गया, पर जिंदगी ने साडे वल एक कदम भी नहीं चुकिया। पर जे मौत सानू दस के गले लाना चाहिए ते साड़ी मौत तेरे यार राजू को नहीं वेखी जानी। चची नहीं नुसरत, नहीं राजू मेरा वो यार है जिन्हें मेरे दुख चुके ने। इस तो पहले के मौत उसकी जिंदगी का भार चुक लवे मैं अपने आप नु कानून दे हवाले कर दियांगा। मां जी पुत्र नू उड़ीक उड़ीक के ताड़ियां अखां पत्थर हो गई ने, पर ताड़े अथरू नहीं मुके। मैं तो नहीं रो रही थी, अखां चाहे अथरू उस ममता दे ने जिन्हें आज तक किसी भी मां का कहना नहीं मनिया। तू अंदर टुर जा, तेरा पुत्र अपने प्यो की तस्वीर वेखता वेखता हो नहीं सुता है, मत फिर जाग पवे। चाशा बशे खोल के वेख लेंदे कि घर तू आए यार, रोज भंगू तेरा सुपना। मां चची पुत्र नहीं, पुत्र नहीं,
मां नूं गल नाल लाके उहदे कलेजे च ठंड पाउण तों पहलां अपने उस मासूम पुत्र नूं गल नाल लाके अपने कलेजे च ठंड पा लै पुत्रा, जिन्हों तू हाली तक वेखिया ही नहीं। फिर चची ऐ तेरा वो मासूम पुत्र जिन्हें अखां खोलन लगियां अपने प्यो दा चेहरा ते नहीं वेख्या, पर इस घर विच तैनू उडीकण वालियां अखां तेरे पुत्र दी अखां विच तेरी शक्ल जरूर वेखदियां रहियां ने। नहीं जज्जी दी मां, नहीं ऐ अपने पुत्र नूं सीनिया नहीं ला सकता। ऐ सारी हयाती पुत्र तो दुश्मन बन के साडे दिलां ते अपने जुल्म दी छुरी चलांदा रहा, सानू सहक सहक के मारदा रहा, असीं रोंदे रहे आ, ऐ हसदा रहा। दुश्मन जवान होंदिया ही साडे नाल दुश्मनी दी पहल कीती सी उहना, हुण वेखी ऐ बुड्ढा शाहिया तेरी की अखीर करदा है। क्यों दिल नूं हथ पिया ही के नहीं पता लगा ही ना, जदों मां पुत्र दी शहरग नूं हथ पाउण लगे ते प्यो दा दिल उहदा सीना चीर के बाहर निकल आउंदा, पता लगा ही ना जी। असीं तेरे वर्गे पुत्र दे दिते हुए दुख दर्द की सुनी ते किन्ने वरिया तो टंगे होवांगे, किन्नी वारी जीए होवांगे ते किन्नी वारी मरे होवांगे। अज भी पता लग गया होवेगा ही जिन्हां मापिया ने औलाद नूं रब कोलों तन्नियां मिन्नतां ते दुआवां नाल मंगिया होवे, उन्हां दे पुत्र कपुत्र हो जांदे ने, पर मापे कमापे नहीं होंदे, जज्जी नहीं होंदे, नहीं होंदे। सुनो जज्जी, तेरा ये बदनसीब प्यो तेरे कोलों तेरी मां दी ते अपनी जिंदगी नहीं मंगदा, सिर्फ तेरे कोलों ऐस पराई इमानत दी हयाती दी पीक मंगदा है जिदे एक एक कथरू दा हिसाब रब ने साडे कोलों मंगना ही, साडे कोलों मंगना ही। सरताज मेरी ऐस सौंकण नूं ते नाल लैंदे जाओ। सौंकण? हां सरताज, ऐ साडी ओ बेनकाई बीवी है जिन्नू तुसी मां प्यो ते औलाद तो वध प्यार दिता है। तेरे नाल लियाई बीवी तो वध दर्जा दिता है। पूछ सकनी हां सरताज कैस बेकसूर दा की कसूर है जिन्हों आज तुसी बेसहारा छड़ चले हो। रानो सरताज एने सारी जिंदगी ताड़ा साथ दिता है ते आज ये दिनल बेवफाई कर दिया ताड़े दिल नू हाथ नहीं पिया। तू कहना की चाहनी है? पत्थर दे ऐस बूत विचो शीशा तिड़कन दी आवाज सुनना चाहनी है। एक ती दी जुबान बन के ताड़े कोलो ना बदमाशा दिया बीवियां दा जुर्म पूछना चाहनी है। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਮਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਰੋ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਟੋਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵਣ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬੀਵੀ ਖਾਵਣ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟੋਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਦੀ। ਬਸ ਕਰ ਰਾਣੋ ਬਸ ਕਰ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਰੇੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਤਾਜ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਖਿਡੌਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਿਡੌਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਫੜ ਪੁੱਤਰ ਖਿਡੌਣਾ।
जे अपने पुत्र नु यतीम बीवी नु पेवा ते मां प्यो दे दिल ते अपने दुख का पार नहीं ठाणा चाहता ते अपने आप नु गिरफ्तारी लई पेश करते गिरफ्तारी लई पेश करते कोलो बड़ा लुकदा रहा दुश्मना तैनू शायद किसी ने यह नहीं दसिया कि दुश्मनी का नियंत्रण पाइए बधाई सिर्फ मौत आती है। जे बदमाशी का लाड़ा अपने सिर तो बदमाशी का सिरा ला ही आया है अगे फिर बदमाशी का खाड़ा इस गली नू बदमाशी का खाड़ा नहीं मैदान समझ अपनी जिंदगी का आखिरी इम्तिहान समझ जिदे हर परचे तू आज फेल हो गया। तू ठीक किया है बदमाशी दे स्कूल विच जिन्ना मावां दे पुत्रां ने दाखला लिया है वो कदी पास नहीं होए आखिर उन्हां दी हयाती दे परचे ते मौत नहीं मोर लाई है। मैं ते बदमाशी ते बुए ते शराफत का जंदरा ला के सरकार ते बुए ते जा ही रहा सा हूं इंज लगता है जिवें ताडे बदमाशा दियां लाशां दे मलबे नू भी अपने नाल कानून दे बुए ते सुटना पेगा। अमन कर रहे नजूमिया अमन इस शहर के सारे कतलों का ठेका सिर्फ तू ही नहीं लिता होया कतलों का सौदागर मैं भी हाँ मेरे भरा दिया कातला अपना कातल भी समझ आए चंगा आया तू ही आ गया मेरे यार ते भरा दिया कातला अज तो बदमाशी दे ताकी जांगे Thank you.
भरा मरवा लेने ते फिर की होया पर बदमाशी का झंडा ते कर दिता ना हूं शहर के हाकम सिर्फ असी अमन कर रहे अमन बाल छेती गवाचते नहीं इन्हों के मापे वाली उंगली कुट के फड़ते ने आज तक गुरी नहीं दसता